और ये एब्राहमिक सिस्टम में क्या है मेरे से नीचे वालों को दे दो दान मैं बड़ा बन जाऊं इज जिसको कहते हैं दान धर्म जो वाला धर्म होता है ना धर्मा फॉर द सेक ऑफ धर्मा जिसको हम कहते हैं धर्मो रक्षती रक्षता वो वो धर्म है जो मुझसे ऊपर वालों के लिए मैं सेवा कर रहा हूं वो धर्म की रक्षा कर रहा हूं तीसरा धर्म भी है तीसरा धर्म है कि हर इंसान को ये दुख अज्ञान के अंधकार से मुक्ति पाना उसके लिए हमारे सनातन धर्म में और भारत तत्व में समाज को हमेशा प्रज्ञावान बनाने की कोशिश की वी आर ऑलवेज आप सोचिए टू मिनट्स आई विल टेक के मोजस आप जानते हैं एब्राहिमिक गुरु थे ही वॉज अ स्लेव बताए ना आपको दास थे वो और किससे बात कर रहे थे जूस भी स्लेव थे okay. तो वन स्लेव टॉकिंग टू स्लेव्स जीजस क्या थे ही अ बहुत पढ़े लिखे नहीं थे किससे बातें कर रहे थे अनपढ़ से बात कर रहे थे मोहम्मद पैगंबर क्या थे कुडेंट इवन रीड और राइट मर्चेंट थे वो मर्चेंट वो किससे बातें कर रहे थे कोई बहुत ऊंची संप्रदाय नहीं थी वो न लोग थे मतलब जो खाना बदोश लोग हैं उनसे बातें कर रहे थे तो एब्राहमिक रिलीजन जो है वो ये नहीं बोल रहा कि नहीं करना चाहिए बट आप उसका तत्व देखिए कि जो बहुत ज्यादा रिफाइंड नहीं है ऐसे लोगों से बातें कर रहे हैं ना गुरु ना शिष्य हमारे यहाँ पे गुरु कौन कृष्ण कौन? कौन है राजकुमार किससे बात कर रहा है एक और राजकुमार से बात वॉरियर हाँ वो भी वॉरियर बुद्धा कौन है राजकुमार किससे बात कर रहा है वन ऑफ दी हाइएस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड है ना महावीर कौन है राजकुमार चौबीस तीर्थंकर कौन है राजकुमार राम कौन है राजकुमार सारे पढ़े लिखे लोग पढ़े लिखे लोगों के साथ बात कर रहे हैं तो इनके पास दुनियादारी बहुत हो गई है अब इनको मोक्ष चाहिए उनके पास अभी दुनियादारी ही नहीं पहुंची है तिजारत जिसको कहते हैं अरे पहले पेट तो भरे बाद में मोक्ष की बात करेंगे सो यू सी फंडामेंटली देर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू लेकिन आज हमारे एजुकेशन सिस्टम ने हमको ये जताने की कोशिश की है और सक्सेसफुली की है कि हम लोग मटीरियलिस्टिक है जबकि भारत जैसा देश कहीं और नहीं है इतना फलवत जमीन ऐसा पानी की व्यवस्था आप सोचिए जस्ट गंगा गंगा मैया चालीस करोड़ लोगों को सपोर्ट करती है, फोर्टी फोर्टी करोड़, विच इज एज बिग एज यूरोप बिगर देन यूरोप वन नदी कहां मिलता है ये एन इमेजिन टू थाउजेंड ईयर्स बैक कितने कम लोग थे कितने सारी हमारे पास जमीन थी और कितना अनाज था कितनी भव्यता थी हमारे पास तो वंस यूर स्टमक इज फील्ड

तीन हजार चार हज़ार साल से कंटिन्यूसली लोग रह रहे हैं आप वहाँ पे जाके एक पनवाड़ी पंडित के उसको पंडित बुलाते हैं उसके पास बैठ जाइए और कोई कथाकार से कम नहीं है वो सो दिस इज दी अमाउंट ऑफ नॉलेज वी हैव विच मस्ट बी यूटिलाइज लेट मी से आई कम फ्रॉम बैंगलोर विच यूज टू बी सो ओ आई कै नॉट टेल यू अ गार्डन सिटी रियली ए सी सिटी था टुडे पीपल हैव टू पुट एयर कंडीशनिंग एट होम not office spaces at home, thereby heating the city even more. we have lost the city. okay, we blame korean north indians, whatever. But the thing is, we have lost the city. and it is going to go even further hotter and maybe it will become unlivable. why, it is, why is this happening? this is happening because of a mindset which says, which thinks,

जैसे मर्जी इसको लूटो यही तो कॉलोनियलिज्म हुआ ना ब्रिटिश आए डच आए फ्रेंच आए उनको क्या लगा कि ये दुनिया हमारी गार्डन है इसको लूट लेते हैं नो मॉरल रिस्पॉन्स एंड दैट गोज इनटू टू द एजुकेशन सिस्टम दैट गोज इनटू टू द लाइफ दैट गोज इनटू इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इट गोज एवरीवेयर बिकॉज द बेसिक थॉट इज द वर्ल्ड इज फॉर माई एंजॉयमेंट मैं एक बिंदु सारा की एक स्टोरी सुनाता हूँ बिंदु सारा यू नो अशोकास हां अशोकास ग्रैंड फादर 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 राइट ही यू टू हैव अ बिग गार्डन इन पाटलिपुत्र द कैपिटल ऑफ मगध व्हिच वाज द लार्जेस्ट कैपिटल लार्जेस्ट किंगडम एट दैट टाइम एंड देन दी अंगराज आल्सो कम्स एंड बोथ ऑफ देम आर राइडिंग जा रहे हैं विहार पे

नहीं, नहीं नहीं एक औरत है शबरी है शीजा वीडो आयासडर मुझे बेचते हो बेच नहीं रही है मैंने उसको डबल पैसे भी दिए तब भी नहीं बेच रही है नहीं नहीं बट औरत विडो को तो आ, हक नहीं है रखने का उसका कोई अधिकार ही नहीं है लैंड ओनर तो उसका पति मर गया तो आप छीन क्यों नहीं लेते कहता है नहीं ये अधर्म होगा मैं इस गार्डन के सुंदरता के लिए इस जंगल को बर्बाद नहीं कर सकता और जब शबरी चाहेगी तब मैं इसको गार्डन में बनाऊंगा देन अंगराज फॉल्स एट द फीट And says, सॉरी मैंने कहा इतना अगली है ये तो सबसे सुंदर जगह है यहाँ पे कि आपने यहाँ पे प्रकृति को रहने दिया क्योंकि वो उस माता का इच्छी इच्छा है शबरी वॉन्ट्स दिस टू बी द वे इट इज धर्म हमने कोई कभी जोर जबरदस्ती नहीं की ये तो ऐसे ही एग्जाम्पल है आप देखेंगे तो हमने कभी बड़े बड़े मोगल गार्डन नहीं बनाए शकुंतला तो जाके जंगल को पानी दे रही है कहीं सुना ही है कि जंगल को पानी दे रही है क्योंकि जो आड़ा तिरचा जो ग्रो हो रहा है ना प्रकृति में उससे सुंदर क्या है कुछ। क्या हम काट पीट के गोल मटोल ट्राइंगल बना के क्या प्रकृति से बेहतर कुछ बना सकते हैं इट इज इम्पॉसिबल टू बेटर नेचर ऑल दीज गार्डन्स एंड इज मैन मेड डिजाइन मैच अप टू द वाइल्ड जंगल दैट ग्रोज ऑन इट्स जोन हाउ इज इट दैट सम ट्रीज गो सो टॉल सम क्रीपर्स गो इन बिड सभी अपना अपना सनलाइट ले रहे हैं सभी अपना अपना सूर्य किरण ले रहे हैं उससे बेहतर इंसान मानव कभी कुछ नहीं बना सकता वी अंडरस्टूड दिस एंड वी सेड लेट अस टेक फ्रॉम द नेचर प्रकृति को ही पढ़ते हैं यहीं पे तो है सब कुछ हम क्या बनाएंगे जो बना हुआ है उसी का लुत्फ लेते हैं लेट्स एंजॉय दिस नॉट बाय डिस्ट्रॉइंग एंड क्रिएटिंग समथिंग बट बाय एंजॉइंग वर्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट